शाहिद और आप देख रहे हैं आरटीवी प्राइम। यहाँ पर जहांगीर आर्ट गैलरी में पांचों आर्ट गैलरी में शोज चल रहे हैं, ग्रुप शोज एंड सोलो शोज। श्रीमती संजू जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका सोलो शो लगा हुआ है जहांगीर आर्ट गैलरी नंबर 4 में, और इन्होंने यहाँ पर मोर देन 54 आर्ट वर्क लगाया है, जिसमें नेचुरल पिगमेंट फ्लावर कलर से उन्होंने पेंटिंग्स बनाया है। और इसके साथ साथ इनके जो बाकी वर्क्स हैं एक्रेलिक ऑन कैनवास पे बने हुए हैं, जो आप बैक साइड में जो देख रहे हैं। इस टीवी के जरिए हम सारे वर्क्स आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है भोपाल की सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट, एमिनेंट आर्टिस्ट श्रीमती संजू जैन जी। तो स्वागत है आपका हमारे। थैंक यू। हेलो पाशा, वैसे मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हूँ, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में भी कभी कभी सेमी एब्स्ट्रैक्ट भी हो जाता है, कभी कभी फिगर्स भी दिखने लगते हैं। तो जो कैनवास पे आना चाहता है मैं उसका वेलकम करती हूँ। मैं अपनी बात कैनवास पे नहीं थोपती, कैनवास की बात सुनती हूँ और वही काम करती जो कैनवास चाहता है। हम से एब्स्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें टेक्सचर मेरी जो कैनवास पे जो कलर मैं पेंटिंग में जो बात कर रही हूँ वो बात करने का तरीका मेरा टेक्सचर के साथ है। तो टेक्सचर मेरे भावों की अभिव्यक्ति का एक साथ है। तो मोस्टली मेरे कैनवास का टेक्सचर रहता है, टेक्सचर फिर एक फॉर्म में कलर के साथ अपनी बात कहता है, फॉर्म में आता है और वो बहुत ही सुंदर होता है। जैसे नदी का पानी बहता है वैसे ही मेरे कैनवास पे कलर और टेक्सचर दोनों अपनी बात कहते हैं। तो संजू जैन जी का एक अनोखा अपना एक खुद का एक क्रिएटिव स्टाइल है, जिन्होंने आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में जो पेंटिंग लगी हुई है इसमें डिफरेंट टेक्सचर्स को उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते हुए अपने कैनवास के जरिए बताने की कोशिश की है। और इसके साथ साथ जैसे कि उन्होंने कहा है कि अपने फॉर्म्स को उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को लेते हुए कुछ चीज़ें कुछ झलक उसमें आर्ट फॉर्म्स कुछ फिगरेटिव दिखाई देते हैं। तो ये बहुत ही कठिन काम है और आसान इतना आसान नहीं है कि कलर्स के साथ कुछ और चीज़ दिखाने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो कलर सीरीज इन्होंने डेवलप किया है वो बहुत ही अद्भुत है। और इसके साथ साथ इन्होंने नेचुरल कलर्स में बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए हैं जो पेपर पे बने हुए हैं, और ये सारे अर्थ कलर्स हैं जो फ्लावर्स के रसों को नेचुरल लेकर बनाए हैं। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये नेचुरल पिगमेंट, जब एक लॉकडाउन का समय था तो हम सब लोग एक अलग मोड में थे, तो मैं वो नहीं चाहती थी कि जो होना है वो निश्चित है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। इस समय को मैं कैसे पॉजिटिवली रहूँ, मैंने ये स्टार्ट किया कि मेरे आसपास जितने फूल पत्ती और वो थे उनके मैंने वो उतारे और उनसे कलर बनाया। वो कलर बड़े अद्भुत थे, बहुत ही खूबसूरत थे। हम आर्टिस्ट की जो रेडीमेड कलर की पैलेट होते हैं उसमें वो कलर थे ही नहीं, और इतने आकर्षक थे कि वो आपको ऐसे लुभाते थे कि जब तक वो काम वो कलर आप पेपर पर नहीं डालोगे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो वो करते करते मैंने करीबन 500-700 पेंटिंग बनाई और मैं बहुत खुश हूँ कि एक मुझे एक नया फॉर्म मिला, नए कलर मिले, और जो मेरे अंदर इनर आत्मा के बहुत नज़दीक है वो, तो ये बहुत सेटिस्फैक्ट्री रहा। और वो सारे कलर के जो पिगमेंट मैंने नेचुरल पिगमेंट बनाए उसमें भी मैंने जब काम कर रही थी तो मैंने सोचा कि इसका एक टॉपिक ले लेती हूँ, तो उसमें मैंने मेरा बचपन ले लिया। चूँकि मेरा बचपन गाँव में भी था तो जो फॉर्म्स हैं उसमें जो ग्रीनरी है जो पेड़ है पशु है पक्षी है वो सारी की सारी मेमोरी मेरे इन कामों में आई। संजू जैन बहुत सारे एग्जीबिशनों में पार्टिसिपेट किया है, इन्होंने मोर देन 11 कंट्रीज को विजिट किया है। इसके साथ साथ इंटरनेशनली ये एक्टिव होते अपने आर्ट फील्ड के अंदर जुड़े हुए हैं और बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह के बहुत सारे वर्क्स इनके आप वेबसाइट में देख सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम एंड ट्विटर के जरिए भी आप इसकी संजू जैन जी के वर्क देख सकते हैं। और इसी तरह के अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे टीम के साथ। Please subscribe RTV Prime, Karnataka's first international art.